अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? भला करें आप सब खैरियत से हों। अभी जी दोपहर का टाइम हो गया, अबीहा हरीम आ गई है स्कूल से, और अबीहा जो है ना वो देखें अपने कपड़े प्रेस कर रही है, क्योंकि अबीहा हरीम की आज फ्रेंड पार्टी हो रही है। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है, यानी कि अबीहा हरीम की जो स्कूल फ्रेंड्स है ना वो घर पे आ रही है, और हरीम इतनी ज्यादा को एक्साइटेड है। हरीम की थ्री फ्रेंड्स आ रही है, बीहा की वन फ्रेंड आ रही है, और मैं बीहा हरीम की फ्रेंड्स के लिए क्या बना रही हूँ, ये है जी मज़ेदार सी बिरयानी। ये देखें अभी बिरयानी को दम आने वाला है, मैंने बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनाई है। और बीहा हरीम के बाबा नमाज पढ़ने के लिए गए और मैंने उनको कह दिया था कि आते हुए ना अपने साथ आपने दही लेकर आ। और आज आयजा तो बड़ी प्यारी लग रही है, आयजा अपना ड्रेस दिखाओ। वाओ, सुरमा भी डाला हुआ है आपने, वेरी गुड, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। और आज जी हमारे लाहौर शहर का मौसम देखें ज़रा, कितनी ज़्यादा धूप है। मुझे कल पता नहीं कौन किसका कमेंट आया था कि आप ही आपके लाहौर शहर का मौसम जो है वो कैसा है, वो देखें हल्के हल्के जो है ना आसमान के ऊपर बादल बनना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब कि शायद अल्लाह करे बारिश आ जाए और मौसम जो है ना वो हसीन से हसीन हो जाए, क्योंकि अभी जो है ना हब्स वाली गर्मी लाहौर में है और यहाँ पे बच्चे टेरेस में इंजॉय कर रहे हैं। वो चावलों को आने लगा है दम, मैं जल्दी जल्दी से चावलों को लगाती हूँ दम। और जो हरीम है ना वो अंदर अपनी सेटिंग कर रही है अपनी फ्रेंड्स को बिठाने के लिए, क्योंकि दादों के रूम में उसने जो है ना चेयर्स और टेबल वगैरह सेट कर ली है। ये मैं आपको ना रूम दिखाती हूँ, ये देखें बेडशीट भी उसने खुद ही साफ़ की है, कितनी प्यारी जो है ना बेडशीट साफ़ की है। और यहाँ पर जो है ना चेयर्स लगा दी हैं, और यहाँ पे भी सेंटर में टेबल लेने के लिए गई हुई है। और ये देखें पूरी एक क्लास की तरह ना उसने ये सारा रूम सजा दिया है, इतना उसको शौक, इतनी खुशी हो रही है ना कि मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, बहुत उसको यानी कि खुशी हो रही है। और खाना जो है ना वो उसने दोनों ने कहा था कि खाना जो है ना वो आप लोगों ने हमारी तरफ आके खाना है, तो बस अब बिरयानी भी बन गई है, मैंने दम पे लगाई है 10 मिनट तक वो भी बन जाएगी, तो आधे घंटे तक जो है ना अभी हर इनकी फ्रेंड्स आ जाएंगी और इनके बाबा भी आने वाले हैं। हम लोगों ने खाना खा लिया है और मेरे जो सरताज अजीज है ना वो आ गए हैं। आपका मैंने नया नाम रख दिया सरताज अजीज। सरताज अजीज नाम नहीं, मेरा सरताज अजीज होगा। पहले साहब मुझे पसंद नहीं है। पहले जमाने की औरतें जो है ना वो अपने शोहरों को जब बहुत इज्जत से बुलाया करती थी ना, तो वो ऐसे कहती थी मेरे जो सरताज अजीज है ना, तो वो इस तरह से बुलाती थी। तो देखें मैंने आपको इज्जत दी, मुझे लगा कि बाहर की बैल हुई है, अभी मैं बाहर जाती हूँ देखती हूँ कौन आया है, और तब तक आप जो है ना मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ बातें करें। सब्सक्राइबर तो ऐसे कह रही है जैसे देखती हूँ कि आज आप उनको बोर करते हैं, कौन सी बातें करते हैं, क्या करते हैं। चलो मैं कर लेता हूं अब, मुझे इम्तिहान मतलब मुझे ब्लॉगिंग करनी नहीं आती। कैसा लगा मेरा मजाक उनकी नज़र में? मैं कोई बड़ा ही बुरा ब्लॉगर, देखिए मैं बड़ा बुरा ब्लॉगर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बड़ा अच्छा ब्लॉगर हूँ। कौन आया है? लो जी साइमा आ गई है, मैंने आपको बिल्कुल भी बोर नहीं किया, मुझे पता लग गया मैंने आपको बोर नहीं किया। ये कहाँ पर्चा उठा के ले आई है? ये आया है जी हमारा बिजली का बिल, और बड़ा मुश्किल काम है बिजली का बिल देखना। आप बिल पढ़ें और मैं जो होना बातें करती हूँ। बिल आता है ना एक इंकरण, दिल ऐसे धक धक हो जाता है, इतना तो बंदा चलाता ही नहीं, लाइट वगैरह तो नहीं चलाता जितना ये लोग बिल भेज देते हैं। हमने तो इस दफ़ा एसी भी नहीं चलाया, हम ये कूलर में सोते रहे हैं। ये देखें बिल जो है ना, बिल ऐसे आता है जैसे पता नहीं हमने कितने एसी चला दिए। हाँ जी इतना ज़्यादा बिल आ गया, देखें जरा क्या होगा। तो दोनों मीटर का बिल आके 34,000 रुपये। हाँ 34,000 बिल थोड़ी रकम नहीं होती। मैं मजाक नहीं कर रहा। तो मैं कब मजाक कर रही हूँ, कहता हूँ कम से कम दिन में लाइट में ख्याल कर लिया करो, कूलर भी चलता रहता है, नहीं कोई भी नहीं बैठा होता, नहीं चल रहा होता है। हम गर्मी में बैठे रहे हैं, कूलर लाइटें मैं लाइट ऑफ कर देती हूं। तुम लोग तब तो बंद कर सकते हो ना यार। मैं बंद करके ही जाती हूं, बच्चों को छोड़ने जाती हूं, मैं बस सारा कुछ ऑफ करके जाती हूं। अब ये बापडा वालों से पूछे इनको क्या मसला। बापडा वाले यूनिट चले हुए हमारे ही चले हुए, कैसे ये हुआ है क्या नहीं हुआ, हम लोग तो गर्मी में सारा गुजारा कर रहे हैं और फिर इनका यकीन वाले बिल आता ना इनको गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। यार गुस्से वाली बात नहीं, मतलब कि अब ये देखो अब 34,000 रुपये बिल कौन भरेगा, ये बैठ के तुम भरना, ये बैठ के पकड़ो। हाँ ये क्या बात हुई इतना गुस्सा। तो यार मतलब ये आप खुद देख लो, तुमसे कहता हूँ कि बच्चों को मना कर दिया करो कि अब वो उस कमरे की भी लाइट चल रही है, वो सामने भी लाइट चल रही है,
वो अभी अभी गई थी, उसकी फ्रेंड ने आना है तो वो सारी लाइट जब आएगी तब चला ले यार, तब ये अब कूलर बंद करो, कूलर को भी पता नहीं कैसे भी इसके किस्से करानी पड़ेगी, कैसे होगा, मेरे से नहीं होते सारे काम। नाराज होके चले गए वापस ऑफिस में, क्या करें यकीन करें, बिल भी इतने इतने ज़्यादा ये लोग दे देते हैं ना, या तो अगर आप लोग उतना चला लो ना तो फिर दुख नहीं होता कि अगर आपने लाइट्स वगैरह उतनी ऑन की हैं और बिल आ गया है तो वो तो आपको पता होता है हमने ऑन की है, जब हमने ऑन ही नहीं की और बिल इतना सारा आ गया है, यकीन करें बिल्कुल भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो बस अभी जो है ना, अल्लाह करे बस उनको हदायत आ जाए और जो हमारी हुकूमत है वो भी कुछ अच्छा कर ले हम लोगों के लिए। तो अभी तो शदीद महंगाई हो रही है, महंगाई के अलावा कुछ नहीं हो रहा। जो है ना, मैं लाइट ऑफ करके ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मैंने ये खिड़की की रोशनी को है ना अपना सहारा लिया हुआ है, क्योंकि अभी आपके सामने जो कुछ भी हुआ है ना, अब सारे घर की लाइट्स हो। अच्छा, अभी बिहार इनकी फ्रेंड्स आ चुकी हैं, मैंने अंदर खाना भी लगा दिया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं बच्चों की। तो ये देखें जी, ये मैडम्स यहाँ पर बैठी हुई हैं। कैसी लगी है बिरयानी? मेरी दोस्त है। क्या नाम है आपका? जरीफ आत्मा। लेकिन बहुत प्यारा नाम है, पूरा नाम जरीफ आत्मा। अच्छा अम्मा दादी, आप उसको पूरा मेरा नाम भी है जरीफ आत्मा। ओके। और कोई दोस्तों को कैमरे के आगे आना अच्छा नहीं लगता, तो चले कोई मसला नहीं है, मजबूर नहीं करते किसी को। और जी, ये बिरयानी की फाइनल लुक है। और बिहा कैसी बनी है बिरयानी? मज़े की बनी है। और वो और हम खेल रहे हैं। चले जी, बिरयानी आप इंजॉय करें, खाना इंजॉय करें, तो मैं बैठ जाती हूँ, ठीक है? आयजा नेल बाइटिंग कर रही हो आप? आयजा क्या कर रही हो, सैड क्यों हो गई हो? पॉपिट लेना है। आपने कहाँ पे रखा है अपना पॉपिट? और ये देखो फ्लावर आपने उठा के कहाँ पे फेंक दिया, बुरी बात ना, उठाओ इधर से, चलो उठाओ। जो बच्चों की पार्टी है ना वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। अभी दोपहर के टाइम बच्चों ने बिरयानी खाई थी और अब हो गया जी शाम का टाइम, 5 बज गए हैं और इन लोगों ने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। ये देखें जी, ये पिज़्ज़ा में से कुछ पीस जो है ना वो अभी हरीम ले गई अपनी फ्रेंड्स के लिए। और ये माशाल्लाह से इतना बड़ा पिज़्ज़ा था ना, बायटी से हम लोगों ने ऑर्डर किया, पता ही नहीं था कि बायटी पे इतने सस्ते पिज़्ज़े जो मिल जाते हैं। 658 का ये पिज़्ज़ा मिला है और यकीन करें टेस्ट के हवाले से भी कमाल पिज़्ज़ा है। तो अब जो है ना ये जो पिज़्ज़ा है अब मैं रखने लगी हूँ वापस फ्रिज के अंदर, क्योंकि अब अभी हरीम के बाबा आएँगे, हम उनके साथ इंजॉय करेंगे क्योंकि वो भी पिज़्ज़ा लवर है, उनको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो अब ये पिज़्ज़ा जाएगा जी फ्रिज में। पार्टी अभी तक चल रही है, पीछे आपको आवाज़ें आ रही होंगी, बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं और ये भी ऑफिस से आ चुके हैं। अब मैं इनको पिज़्ज़ा देती हूँ क्योंकि इनका तो पिज़्ज़ा जो है ना बस लव है, बहुत फेवरेट है मुझसे भी ज़्यादा। तो जी, आज की वीडियो कैसी लगी आपको? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग हमारे इसी तरह से अच्छे अच्छे ब्लॉग देखना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और बात, काइंडली ब्लॉग को भी काइंडली जरूर पूरा देखा करें, ताकि आपको पता चले कि हम आपके लिए अपना डे कैसे स्पेंड करते हैं। हाँ। कैसे कैसे सारी चीज़ें करते हैं। मुझे अभी तक मैंने कहा पहले वीडियो खत्म कर देते हैं, पिज़्ज़ा दे दो मुझे जल्दी से। चले जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।